नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज और मैं आपके साथ अंजलि। करीब 5 साल बाद आज फिर से कोरोना काल के बीच मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू हुआ है और ऐसे में जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनका ही सिर्फ एंट्री हो रहा है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोगों को सही सूचना नहीं मिलने पर भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री सचिवालय के जनता दरबार में बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच गए हैं। वही पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने लोगों को कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपका प्रवेश नहीं होगा, इसलिए सभी लोगों का आवेदन ले लिया गया है और उनको रजिस्ट्रेशन करा के सभी को जनता दरबार में प्रवेश करने की सूचना दे दी जाएगी। गौरतलब है कि आज सुबह से कई लोग पहुंचे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, उनको देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने लोगों से मिलकर उनके आवेदन को लिया है और उन सभी के आवेदन को विभिन्न जिला में भेजा जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको मोबाइल पर मैसेज आएगा और जिस दिन उनका जनता दरबार में प्रवेश होगा उस दिन जिला के माध्यम से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सम्मिलित होंगे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे खबरों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।